हरियाणा विधानसभा चुनावों का रण शुरू हो चुका है। इस दौर में हर कोई ये चाह रहा है कि वो जनता के दिल को जीत पाए और जनता उनको भारी मतों से विजयी बनाए। लेकिन गुरुग्राम की एक विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो अपने मरहूम पति के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, उनके अधूरे वादों को पूरा करने के लिए जी जान एक किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा के निर्दलीय पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद के परिवार की। ये वो परिवार है जिन्होंने ना केवल गरीबों का सहारा बने बल्कि इन्होंने हजारों लोगों को धार्मिक यात्राएं भी कराई। आपको याद ही होगा कि बादशाहपुर से पूर्व निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद 25 मई को ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनके कुछ वादे अधूरे रह गए, कुछ सपने अधूरे रह गए, जिनको पूरा करने के लिए उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद अब चुनावी मैदान में है। उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उनके पति ने बादशाहपुर की जनता से जो वादे किए, जो अधूरे रह गए, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, उनको पूरा करने के लिए अब कुमुदनी जी जान से लगी हुई है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। दरअसल राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर की जनता को, हजारों लोगों को धार्मिक यात्राएं कराई, जिनमें इसी साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक लगभग 50,000 से ज्यादा महिलाएं, माताएं, बहनों को उन्होंने हरिद्वार में गंगा स्नान कराया। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, हालांकि ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन राकेश दौलताबाद खुद इन हजारों महिलाओं के बीच में हैं और वो उन माताओं बहनों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिनका कई अरसों से सपना रहा कि वो हरिद्वार में जाकर माँ गंगा में स्नान करें। ये सपना पूरा करते करते राकेश दौलताबाद ने पूरी मेहनत की और हजारों लोगों को लगभग 3 महीने में, जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक, लगभग 50,000 महिलाओं को वो हरिद्वार लेकर गए। मार्च के बाद हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई, इसीलिए वो ये कार्यक्रम रोकना पड़ा उनको। लेकिन जिस समय पूरा हरियाणा वोटिंग देने के लिए लाइनों में लगा हुआ था, उस दौरान नीति को कुछ और ही मंजूर था। बादशाहपुर के प्रिय विधायक रहे राकेश दौलताबाद को भगवान ने अपने पास बुला लिया। 25 मई को जब वो वोटिंग देने के बाद अपने फार्म हाउस पर गए तो वहां पर उनको दिल का दौरा पड़ा, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। ये झटका उनकी प्यार करने वाले लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हर किसी की आंखें नम थी, हजारों की संख्या में लोग अस्पताल पहुंचने लगे, हर किसी के जुबान पर राकेश दौलताबाद के द्वारा किए गए कामों की चर्चा थी, उनको लेकर हर किसी के चेहरे पर, हर किसी के मुख पर दुआओं का दौर था कि भगवान किसी तरह राकेश दौलताबाद को ठीक कर दे। लेकिन नीति को शायद ये मंजूर नहीं था और राकेश दौलताबाद 25 मई को ये दुनिया छोड़कर, अपने सभी प्यारों को रोता हुआ छोड़कर यहां से चले गए। स्वर्गीय राकेश दौलताबाद को जनता कितना प्यार करती थी, उसकी एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये तस्वीर उस दिन की है जब राकेश दौलताबाद को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा था। हजारों की संख्या में शमशान घाट में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। भीड़ इतनी रही कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ये लोगों का प्यार ही था जो पिछले कई वर्षों में राकेश दौलताबाद ने कमाया कि उनकी अंतिम यात्रा में भी हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले पहुंचे और अपनी नम आंखों से उनको विदाई दी। राकेश दौलताबाद के इस दुनिया से जाने के बाद उनके चाहने वालों को लगा कि उनके सपने अब कैसे पूरे होंगे, जो वादे राकेश दौलताबाद ने किए वो सपने कैसे पूरे किए जाएंगे। इस दौरान इलाके की जनता ने एक पंचायत का आयोजन किया। उस पंचायत में फैसला किया गया कि आने वाली 30 जून को एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें अनेकों गांव से लोग शामिल होंगे और फैसला लिया जाएगा कि राकेश दौलताबाद के सपनों को कैसे आगे ले जाया जाए, जन जन तक उनकी नीतियों को पहुंचाया जाए कि राकेश दौलताबाद किस तरह से बादशाहपुर की जनता के लिए विकास करना चाहते थे। इसीलिए 30 जून को एक 12 गांवों की महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सभी के मन से एक आवाज निकली कि राकेश दौलताबाद के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी परिवार को, उनकी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए और राकेश दौलताबाद जो वादे अपनी प्यारी जनता से करके गए, उन वादों को पूरा किया जाए। इसलिए महापंचायत में राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी दौलताबाद को ये जिम्मा सौंपा गया कि वो इस बार पंचायती उम्मीदवार होंगी
और वो इलाके की जनता के लिए विकास के कार्य आगे ले जाएंगी। 30 जून के बाद ये बात तय कर ली गई कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद को बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर की जनता के लिए अपनी कार्यनीति शुरू कर दी। जो काम राकेश दौलताबाद अधूरा बीच में छोड़ गए उसको पूरा करने के लिए राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने 27 जुलाई को अपने पति स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के किए हुए वादे को पूरा किया और 27 जुलाई से एक यात्रा शुरू की गई जिसमें उन हजारों माताओं बहनों से राकेश दौलताबाद ने वादा किया था कि वो खाटू श्याम की यात्रा भी सभी माताओं बहनों को कराएंगे। इसीलिए 27 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग 50,000 से ज्यादा महिलाओं को खाटू श्याम जी ले जाया गया, जहां श्याम बाबा के दर्शन उनको कराए गए। और ये प्यार ही है, ये भीड़ आप देखिए कि हजारों की संख्या में महिलाएं कुमुदनी राकेश दौलताबाद और उनके परिवार के साथ खड़ी हुई हैं। हर किसी की आंखें अभी भी नम है और हर कोई चाहता है कि राकेश दौलताबाद के सपने इसी तरह पूरे होते रहें। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने भी स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के सपनों को पूरा करने के लिए 27 जुलाई से जो यात्रा शुरू की उसमें भी अभी तक 50,000 से ज्यादा महिलाएं, माताएं, बहनें, उन सबको खाटू श्याम के दर्शन कराए जा चुके हैं। 25 अगस्त को एक रैली का आयोजन किया गया जो कि फरुखनगर में आयोजित की गई। इस रैली में भी हजारों की संख्या में राकेश दौलताबाद के चाहने वाले पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुमुदनी राकेश दौलताबाद को अपना आशीर्वाद दिया। इस रैली में कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने जनता को बताया कि राकेश दौलताबाद के सपने क्या थे, वो किस तरह अपनी जनता से प्यार करते थे, वो चंडीगढ़ तक अपने बादशाहपुर की जनता की आवाज किस तरह बुलंद रखते थे। 25 अगस्त के बाद 1 सितंबर को बादशाहपुर में नारी शक्ति का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कुमुदनी राकेश दौलताबाद को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। इस दौरान सभी ने एक आवाज में कहा कि अगर गरीबों का कोई मसीहा रहा तो वो राकेश दौलताबाद रहा, और यही वो प्यार है जो अब बादशाहपुर की जनता राकेश दौलताबाद के परिवार को दे रही है। 11 सितंबर को कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर विधानसभा से नामांकन दाखिल किया और उससे पहले उन्होंने एक विशाल रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो की वजह से बादशाहपुर इलाके की सड़कें जाम हो गई, इतनी भारी संख्या में गाड़ियां, लोग कुमुदनी राकेश दौलताबाद को अपना समर्थन देने पहुंचे कि सड़कों पर जाम जैसी स्थिति हो गई। ये विशाल रोड शो दौलताबाद से शुरू हुआ और फिर बादशाहपुर विधानसभा के वजीराबाद तहसील में पहुंचकर वहां पर इन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। राकेश दौलताबाद राजनीति नहीं करते थे, इसीलिए उनके परिवार ने राजनीति से बदलकर उसको कार्यनीति कर दिया है, क्योंकि परिवार का कहना है कि राकेश अपने कार्यों से लोगों का दिल जीतते थे। वो ऐसे कार्य करते थे कि उन्होंने राजनीति के नाम को ही, उनके मतलब को ही बदल दिया है, इसीलिए अब हर जगह पोस्टर्स में और उनके स्लोगन में एक ही बात नजर आती है कि राजनीति नहीं, अब होगी कार्यनीति। राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद अब चुनावी मैदान में है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और बादशाहपुर की जनता से ये अपील कर रही है कि जो वादे अधूरे रह गए उन वादों को राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी दौलताबाद जरूर पूरा करेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।